हेलो फ्रेंड्स, अपना फार्मा चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिप हंग्री प्लस सिरप के बारे में कि इस सिरप का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और इसके इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेडिसिन से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह है सिप हंग्री प्लस सिरप। इसकी प्राइस की बात करें तो 145 रुपये में आप किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। यह किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाती है। अगर नहीं मिलता है तो इस कॉम्पोजिशन का दूसरा कोई भी सिरप आप ले सकते हैं। यह सिरप 200 ml के पैक में आता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। नंबर वन, सिप हंग्री प्लस सिरप एक एपेटाइट स्टिमुलेंट दवा है, मतलब कि यह भूख को बढ़ाने का काम करता है। नंबर टू, भूख नहीं लगती है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है तो इसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर थ्री, भूख को बढ़ाने का काम करता है यह सिरप। नंबर फोर, न्यूट्रिशन की कमी को भी दूर करता है यह सिरप, क्योंकि जब आप सही मात्रा में खाना खाएंगे, डाइट लेंगे, तो न्यूट्रिशन की कमी अपने आप ही दूर हो जाती है। नंबर फाइव, वजन को भी बढ़ाता है यह सिरप। अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो अडल्ट में इसे 10 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद, और इस सिरप को 15 से 30 दिनों तक ही यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बच्चों में इस सिरप को 3 से 4 दिन तक ही देना है, ज़्यादा दिन तक नहीं देना है। बच्चों में इस सिरप का इस्तेमाल उनके एज, वेट और कंडीशन को देख कर या कैलकुलेट करके दे सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। नंबर वन, अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर टू, प्रेग्नेंट लेडी भी इस सिरप का इस्तेमाल ना करें बिना डॉक्टर के सलाह के। नंबर थ्री, किडनी लीवर पेशेंट इस सिरप का इस्तेमाल ना करें बिना डॉक्टर के सलाह के। और दोस्तों, आपको इस सिरप का इस्तेमाल बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं करना है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस सिरप की ज़्यादातर कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अगर आपको स्लीपनेस, कॉन्स्टिपेशन या ड्राई माउथ जैसी प्रॉब्लम हो रही हो तो घबराएं नहीं, सिरप को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, सिप हंग्री प्लस सिरप काफ़ी अच्छा सिरप है, यह बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। दोस्तों, यह था सिप हंग्री प्लस सिरप का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।